और वैसे धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे भी कहाँ गोरे हैं। आइसक्रीम में कौन से फ्लेवर है? फ्रेश फ्रूट में सीताफल है, रोस्टेड आलमंड, रोस्टेड कैडबरी, ऐसा है हमारे पास का। What's up everybody, मैं अतरव, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ पावर। तो कैसे हो आप सभी, एकदम बढ़िया? ओके, तो वैसे आज हमारे साथ है ओमकार, और आज का वीडियो मुझे ओमकार ने सजेस्ट किया था। तो बता भाई, कहाँ जा रहे हैं अपन? हम लोग जा रहे हैं बैचलर्स आइसक्रीम खाने, मरीन ड्राइव। ओके, तो मरीन ड्राइव जा रहे हैं अपन, और हम लोग जा रहे हैं भाई बाइक, तो अपनी कंगना रेडी है। और मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि बाइक के बारे में प्रॉपर अपडेट दो, ऐसे ही चला लिए बाइक को। तो भाई मैं प्रॉपर अपडेट अभी नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले मैकेनिक के पास जहाँ पर मैंने रिपेयरिंग किया था, उसने मुझे कहा था कि परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2-3 महीने के बाद वापस प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। इसलिए 2-3 महीने तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद बता दूंगा कि प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हुआ या नहीं। ओके, तो अभी यहाँ से चलते हैं, तो मरीन ड्राइव है यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर, चलते हैं। वैसे मैं पिछले 2-3 वीडियो में GoPro को हेलमेट में माउंट कर रहा था, तो मुझे प्रॉपर ट्रैवलिंग के सीन नहीं लेने मिल रहे थे। तो आज मैं पीछे बैठूंगा, अच्छे ट्रैवलिंग सीन लूंगा, तो एंजॉय कीजिए आप। और वैसे धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम वैसे भी कहाँ गोरे हैं। पहुंच गए हैं बैचलर्स आइसक्रीम के यहाँ पर, आप देख सकते हो सामने है बैचलर्स आइसक्रीम। तो चलिए चल के देखते हैं अभी। तो मेनू कार्ड यहाँ पर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर है इनका कुछ पोस्टर, तो इसे स्कैन करने के बाद हमें मेनू मिल जाएगा। तो अभी इसे स्कैन करेंगे, हो रहा है कि नहीं स्कैन? हो गया, तो थोड़ा प्रॉब्लम दिया इसने स्कैन करने में, लेकिन अभी फाइनली हो गया। क्या क्या मेनू सर, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। आइसक्रीम में कौन से फ्लेवर है अभी? फ्रेश फ्रूट में सीताफल है, वाटरमेलन है, बाकी वाटरमेलन, रोस्टेड आलमंड, रोस्टेड कैडबरी, रोस्टेड आलमंड, रोस्टेड कैडबरी, रोशर ली है, जिंजर है। जिंजर ये सब आइसक्रीम वाले फ्लेवर? सब आइसक्रीम, सब आइसक्रीम। अच्छा, एक ड्राई फ्रूट्स वाला दो, रोस्टेड और एक रोस्टेड कैडबरी दो। एक ड्राई फ्रूट, एक रोस्टेड कैडबरी, कैडबरी ना। ओके, अभी अपन ने ऑर्डर किया है रोस्टेड कैडबरी और रोस्टेड ड्राई फ्रूट, तो देखते हैं अभी। तो ओमकार ने कहा कि रोस्टेड कैडबरी यहाँ पर अच्छा मिलता है, क्योंकि उसने यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हमारे आइसक्रीम आ चुके हैं, तो ये है रोस्टेड ड्राई फ्रूट और ये है रोस्टेड कैडबरी, तो बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। अभी टेस्ट करके देखते हैं, फिर बताता हूँ इसका कैसा टेस्ट है, कैसा लगता है। ये क्या है? रोस्टेड ड्राई फ्रूट, रोस्टेड ड्राई फ्रूट। ओके, चल पहले तू टेस्ट कर, ऐसा है हमारे मस्त है, मस्त है। तो ये है रोस्टेड ड्राई फ्रूट, तो अभी अपन रोस्टेड ड्राई फ्रूट टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा इसका टेस्ट है। मेल्ट हो गया यार, वाह। तो अभी रोस्टेड कैडबरी टेस्ट करते हैं। ओमकार ने इसे पहले खाया है, मैं पहली बार खा रहा हूँ, तो मैं पहला टेस्ट करूँगा। ये है रोस्टेड कैडबरी, वाव, एक नंबर है भाई। तो अभी अपना दोनों भी आइसक्रीम खा के हो चुका है, और भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया। तो भाई बता दे कौन सा अच्छा लगा? रोस्टेड कैडबरी तो बेस्ट है, रोस्टेड कैडबरी भाई एक नंबर है। मतलब सबसे पहले हम दोनों ने वही ख़त्म किया। रोस्टेड ड्राई फ्रूट जो था वो नॉर्मल था, मतलब अपने मेडिकल वगैरह में जैसा मिलता है बटर स्कॉच फ्लेवर में, केसर पिस्ता। हाँ भाई, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, केसर पिस्ता वैसे ही लग रहा था सेम, उसमें बस ड्राई फ्रूट ज़्यादा थे, इसलिए थोड़ा अच्छा लगा। तो अभी जाके देखते हैं, और कुछ अच्छा ट्राई करने मिला तो ट्राई करेंगे, नहीं तो अपने पैसे वापस लेके निकलेंगे घर जाएंगे। आइसक्रीम के अलावा यहाँ पे देखो जूस मिल जाएगा, आइसक्रीम, क्रीम, फालूदा, ये सब स्नैक्स है, सैंडविच है, पिज्जा है। मतलब कैसा रेसिपी? अलग अलग, जैसे जिंजर हो गया, ग्रीन चिल्ली आइसक्रीम हो गया, ग्रीन चिल्ली आइसक्रीम, अफगानी मलाई, अफगानी मलाई बाहर का फ्रूट का रहता है,
खजूर, ये सब बाहर का फ्रूट रहेगा। अफगानी मलाई ट्राई करेंगे? सॉल्टेड। ठीक है, तो एक अफगानी मलाई दे दो, ट्राई करेंगे आपके लिए। अच्छा आप बोल रहे हैं पक्का अच्छा लगेगा ना। ये आ गया अपना तीसरा आइसक्रीम, तो इसका नाम है अफगान मलाई, बराबर ना? अफगान मलाई, ओके। तो अभी इसे ट्राई करते हैं। कैसा है? अच्छा। पान फ्लेवर है। और नाम क्या आपका? थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा यहाँ पर आके, और रोस्टेड कैडबरी आइसक्रीम बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अभी अपना बैचलर्स आइसक्रीम में प्रॉपर बिल हुआ 260 रुपीज़, उसमें से रोस्टेड ड्राई फ्रूट और रोस्टेड कैडबरी थे 85 रुपीज़ के, और अफगान मलाई जो थी, जो अपन ने तीसरा आइसक्रीम मंगाया था, उसका प्राइस था 90 रुपीज़। तो ठीक है, अच्छा लगा खा के, एवरेज था दोनों आइसक्रीम, लेकिन रोस्टेड कैडबरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी के दोनों मतलब जो केमिस्ट में मिलते हैं वैसे ही लग रहे थे, लेकिन ड्राई फ्रूट थोड़े ज़्यादा थे इसलिए अच्छे लगे, एवरेज थे, चल जाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करते, मिलते हैं आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग, नए दिन, नए वीडियो, नए जोश के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें प्यार ऐसे ही देते रहिए। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को पावर ऑफ पावर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय, बोल गुड बाय, चलो। Check the mic and make sure it sound right, boys. अभी अपन ने ऑर्डर किया है रोस्टेड कैडबरी और रोस्टेड ड्राई फ्रूट, तो देखते हैं अभी। तो ओमकार बोल रहा है कि रोस्टेड कैडबरी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आके खा सुखता जा रहा है, बोल तो।